कोरोना से सुरक्षा के लिए लगाई गई वैक्सीन बन रही दुनिया के लिए काल, इसलिए अपने आप बैठे बैठे नाचते खेलते हो रही लोगों की मौत। खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने किया दावा, शरीर में खून का थक्का जमाती है कोविड वैक्सीन, आता है हार्ट अटैक। सरकार ने जिस वैक्सीन को लोगों की सुरक्षा के लिए जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लगवाया, अब वही बन रही है मौत का कारण। कोर्ट के सामने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने किया अपना गुनाह कबूल, तो हैरत में पड़ गई दुनिया। लोग बोले अब क्या होगा। आए दिन आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखते होंगे कि डांस करते करते लड़की की जान चली गई, बैठे बैठे आदमी दुनिया छोड़ गया, रामलीला में नाटक करते करते कलाकार अपने आप गिर गया और फिर कभी उठा नहीं। ऐसे ही सैकड़ों वीडियो हर रोज वायरल होते हैं। मतलब ये है कि अच्छे भले हंसते खेलते लोगों की जान अचानक चली जाती है, और पिछले 2-3 सालों में ऐसे मामले कुछ ही ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और ये घटना आपके साथ भी कभी भी घट सकती है अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो। क्योंकि जिस वैक्सीन को लोगों की सुरक्षा के लिए लगवाया गया वो आज लोगों के लिए काल साबित हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का, जिसने कोर्ट में दावा किया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों की जान को खतरा है। दरअसल हाल ही के महीने में अचानक मौत की कई घटना सामने आई है, वीडियो आए हैं, लेकिन उससे कहकर इग्नोर कर दिया गया कि इसका कोरोना वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। पर अब लंदन से जो रिपोर्ट आई है उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने खुद मान लिया कि उनकी वैक्सीन सही नहीं है और लोगों को लगाए कोविड टीके से शरीर में खून का थक्का जम जाता है। आपको बता दें कि लंदन में कई लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से गंभीर रूप से बीमार हो गए। ऐसे ही एक शख्स हैं जेमी स्क्वाड, उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया क्योंकि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो गया। अब कोर्ट के सामने एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बात स्वीकार भी कर ली है। ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने पहली बार माना है कि उनकी वैक्सीन लगाने से खून के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शरीर में खून के थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इसे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं। इसके चलते शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है। अब एस्ट्राजेनिका ने साइड इफेक्ट की बात कबूल की तो दुनिया भर के लोग टेंशन में आ गए, और लाजमी भी है, उन्होंने इसी फॉर्मूले वाली वैक्सीन लगवाई थी जबकि उसका नाम अलग हो। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनिका की इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से उतारा गया। यहां भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनिका से मिले लाइसेंस के तहत ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया था। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। ब्रिटेन के पीड़ित जेमी स्क्वाड के 2 बच्चे हैं, उनका ब्रेन स्थायी रूप से जख्मी हो चुका है। अप्रैल 2021 में उन्होंने एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगवाई थी और खून के थक्के जम गए थे। कंपनी ने बाद में वैक्सीन के बारे में जानकारी अपडेट की, इसमें कहा था कि दुर्लभ केस में इसे ब्लड स्लॉट हो सकता है। अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल यूके में नहीं हो रहा है। एस्ट्राजेनिका के एक प्रवक्ता ने बताया है कि वैक्सीन ने सुरक्षा मानकों को पूरा किया। आपको बता दें कि इसी एस्ट्राजेनिका कंपनी की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड नाम से लगाई गई थी। करोड़ों लोगों ने इसे लगवाया था क्योंकि यह गांव-गांव जाकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लगवाई जा रही थी। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया हैरत में है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।